तेरा भाई खड़ा स्टार्ट से ही चिल है, तू भी वाइब ले रहा तो बेटा चिल। Just chill ले, just ले ले, just chill ले, just ले ले। Leave the chill. यार तुमने नोटिस किया आजकल शहरों के नाम लोग चेंज कर रहे हैं, देखा तुम लोग ने? तो शहरों के नाम चेंज कर रहे थे, मैं ठीक था। फिर अभी बोल रहे हैं कि मुंबई के जो स्टेशन है उनके भी नाम चेंज करने वाले, उसके लिए भी मैं ठीक था। लेकिन अभी ऐसा बोल रहे हैं कि आरसीबी जो है ना, वो लोग भी अपना टीम का नाम चेंज करने वाले। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से नाम चेंज करके रखने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कितना मेजर चेंज करने वाले, समझ रहे थोड़े? उनको लग रहा है प्रॉब्लम नाम में था, इनके नसीब में नहीं। इतने प्लेयर्स देख के हो गया, कुछ नहीं हुआ उन्हें। अगर उनको लगता है नाम चेंज करके वो जीत सकते हैं, तो उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से नाम चेंज करके मुंबई इंडियंस रखना चाहिए या सीएसके। बट सीएसके नहीं रखना चाहिए, फिर 2 साल बैन हो सकते हैं और जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन यार मुझे आरसीबी के लिए उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे विराट कोहली के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको आरसीबी में खेलना पड़ रहा है और उसकी वजह से उसके पास एक भी ट्रॉफी नहीं। अगर विराट चाहेगा ना, इतना बड़ा लेजेंड है कि यही सीजन में ट्रॉफी लेके आ सकता है, बट वो जानबूझ के नहीं जीत रहा है, क्योंकि वो बैंगलोर में खेलता है। और अगर ट्रॉफी जीत जाते हैं ना, तो एक रिचुअल रहता है, उस टीम को पूरे शहर का एक राउंड लेना पड़ता है बस से, और जितना ट्रैफिक बैंगलोर में है। विराट कोहली रिस्क ही नहीं लेना चाहता, क्योंकि रोहित शर्मा का फोन आ जाएगा, भाई हम वर्ल्ड कप जा रहे, एयरपोर्ट आ गए। वो बोल रहा है भाई मैं इंदिरा नगर में फंसा हूँ, वो वर्ल्ड कप जीत के वापस आ जाएंगे, ये ट्रैफिक में ही है। लेकिन विराट कोहली पता ना कितना बड़ा लेजेंड है, विराट इतना बड़ा लेजेंड कि उसका कंपैरिजन सबसे होता है, पहले सचिन तेंदुलकर से होता था, और अभी उसका कंपैरिजन होता है बाबर आजम से। बाबर आजम पता है ना तुम लोग को, ऐसे कंपैरिजन होता है, विराट बेटर है या बाबर? विराट इंडिया का लेजेंड है, और पाकिस्तान वालों को लगता है कि बाबर पाकिस्तान का लेजेंड है। लेकिन रिसेंटली इसका आंसर मुझे मिल गया कि कौन बेटर है, क्योंकि मैं रिसेंटली लंदन गया था और वहां पे मुझे एक पाकिस्तानी बंदा मिला जो एग्जैक्टली बाबर आजम जैसा दिख रहा था। तो मैंने जाके उससे बात करी, मैंने बोला भाई आप क्रिकेट फॉलो करते हो? उसने बोला हाँ करता हूँ। तो मैंने बोला भाई आपके साथ एक वीडियो बना सकते हैं क्या? तो उसने बोला हाँ बिल्कुल बनाएंगे। फिर मैंने बोला आप एक क्रिकेटर की तरह दिखते हो? तो उसने बोला बढ़िया बात है, किसकी तरह दिखता हूँ? तो मैंने बोला बाबर आजम। तो उसने बोला कोई वीडियो नहीं बनानी मुझे। तुम लोग समझ रहे हो, कंपैरिजन बाबर का विराट से था, लेकिन वो एक पाकिस्तानी से ही हार गया। और हम उस होटल से बाहर आए, मेरे दोस्त इतने हरामी बोल रहे, भाई तू उसको 1000 रुपए देता ना तो वो वीडियो बना लेता। तो मेरा दूसरा दोस्त इतना हरामी बोलता है, भाई 1000 में तो असली बाबर आजम आ जाता, उसका रिजवान भी फ्री आ जाता। पाकिस्तानी प्लेयर्स का नसीब तुम लोगों को पता है ना, इतना खराब है कि वो लोग आईपीएल नहीं खेल सकते, इसलिए उन लोग ने आईपीएल जैसा ही एक खुद का टूर्नामेंट स्टार्ट किया है, उसका नाम पीएसएल है। पीएसएल पता है तुम लोगों को? आईपीएल जैसा ही है, बस उनका बजट कम है। जैसे आईपीएल का बजट 100 crore है, तो पीएसएल का 90 है। CR नहीं भाई, बहुत नल्ले हो लोग। पीएसएल में कुछ भी होता है, मतलब आईपीएल में कैसे एक प्रोफेशनलिज्म रहता है, रूल्स रहते हैं ना, पीएसएल में ऐसा कुछ नहीं है। कल पीएसएल का फाइनल चल रहा था और पीएसएल में एक प्लेयर खेल रहा है इमाद वसीम, वो ड्रेसिंग रूम में सुट्टा मार रहा था। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, एक प्रोफेशनल पाकिस्तानी प्लेयर सुट्टा मार रहे, कितना शॉकिंग है ना, कि उसके पास सुट्टे के पैसे कैसे आए? इन लोगों ने बीड़ी मारना छोड़ दिया। लेकिन पैसे की अभी बात हुई है, तो आईपीएल में और एक लेजेंड है, उसका नाम है पैट कमिंस। पता है तुम लोगों को? पैट कमिंस मतलब इतना बड़ा प्लेयर है ना, कि मतलब उसका यूएसपी ये है कि वो हमेशा जीत के लिए खेलता है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया का भी रिसेंटली एक मैच चल रहा था, जिसमें पैट कमिंस और एलेक्स कैरी ये दो बैटिंग कर रहे थे, और एलेक्स कैरी 98 पे था, तभी भी पैट कमिंस ने एक चौका मार के मैच जिता दिया और उसका सेंचुरी नहीं हुआ। बट इसने मैच जिता दिया तो सब लोग तारीफ कर रहे कि पैट कमिंस लेजेंड है। और सेम चीज जब हार्दिक पांड्या ने की थी, सब लोग ने उसको गाली दी थी, बोला था ये विलन है। और मुझे लगता है हार्दिक पांड्या विलन है, क्योंकि किसी का सेंचुरी चुराना और किसी का कैप्टेंसी चुराना, इसमें डिफरेंस होता है। लेकिन पता है ना तुम लोगों ने हार्दिक पांड्या ने क्या किया? वो गुजरात के टीम में था, अब वो स्विच करके मुंबई आ गया, तो सब लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं कि बहुत ही घटिया काम किया उसने, और सब लोग ट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। मेरा बेस्ट फ्रेंड भी ट्रोल कर रहा है, बोल रहे गद्दार है ये, गुजरात छोड़ के इधर आ गया। मैं बोला भाई तू तो मत बोल, तू हर 6 महीने बाद जॉब चेंज करता है। एटलीस्ट वो गुजरात को 2-1 ट्रॉफी जीत के आया था, वो तू अपने कंपनी से इसको इसलिए निकाला था, ये कॉफी पीता था दिन भर, पबजी खेलते रहता था। और एटलीस्ट हार्दिक पांड्या इधर आया, उसको कैप्टन बनाया। ये मेरा दोस्त नए कंपनी में गया, उधर भी बेंच पे ही, मतलब उधर भी संजू सैमसन बना है ये। लेकिन लेजेंड्स की बात होती है तो धोनी की बात तो होनी चाहिए, क्योंकि यार धोनी अभी रिटायर हो गया, फिर भी हम लोग हर साल रुके रहते कि आईपीएल कब खेल रहे। और इस बार जब आईपीएल होने वाला था ना, सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि इस साल के आईपीएल में धोनी नया रोल प्ले करने वाला है, तो सबको लगा था शायद ओपनिंग करेगा या फिर वन डाउन आएगा,
बट बाद में पता चला ये नया रोल उसका ड्रीम इलेवन के एड में था क्योंकि धोनी बहुत सारे एड्स करते रहता है। ड्रीम इलेवन का उसका एड देखा, उसमें ना वो ऐसे घर पे दिखाया और उसके दादाजी को हॉस्पिटल लेके जाना रहता है। तो मुझे ऐसे लगा था अगर हॉस्पिटल लेके जाना है दादाजी को तो दादाजी का रोल हार्दिक पांड्या ही करेगा क्योंकि उसको हॉस्पिटल जाने की आदत है ना। बट उस एड में भी दादाजी का भी रोल धोनी ने ही प्ले किया, तो दोनों रोल धोनी ने ही प्ले किए, तो गंभीर कितना भड़का रहेगा ना कि इधर भी एक बैटर का क्रेडिट धोनी ने ले लिया और दादाजी का बीपी भी 97 दिखाया था। बट तुम लोग को पता है क्रिकेट में आईपीएल में और एक लेजेंड है, उसका नाम केएल राहुल है। केएल राहुल पता है तुम लोग को? यार केएल राहुल इतना बड़ा लेजेंड है कि उसका गुरु महेंद्र सिंह धोनी है, क्योंकि धोनी का भी एक यूएसपी है ना, वो मैच डीप लेके जाता है। केएल राहुल भी सेम करता है, वो मैच डीप लेके जाता है। बस एक ही डिफरेंस है कि धोनी 20th ओवर में मैच जिता देता था, ये 30th ओवर तक लेके जाता है और मैच 20 ओवर का रहता है। कोच आके गाली दे रहा है, अबे कितना डीप लेके गया, डूब गए। तो बोल रहा है अरे सर ठीक है ना, ऑरेंज कैप तो आ गया। कोच बोल रहा है तू एक काम कर, हैदराबाद की टीम में जा, उनका कैप भी ऑरेंज है, उधर 15 करोड़ भी मिलेंगे और ऑरेंज कैप भी। हैदराबाद वाले बोल रहे हैं हाँ ठीक है, हम 15 करोड़ देंगे राहुल को, बट इसको तुम्हारी टीम में रखो। लेकिन आईपीएल में सबसे चिल जॉब किसका पता है तुम लोग को? कमेंटेटर्स का, क्योंकि बाकी सारी कमेंटेटर्स जो रहते हैं ना ये क्रिकेट पे रिसर्च करके आते हैं, बट एक कमेंटेटर है जो मुशायरा करने आता है, उसका नाम है आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा पता है ना, बाकी लोग एकदम ब्लेजर वेजर पहन के आते हैं, ये गजरा लगा के आता है कि भाई आज शायरी करेंगे, और उसका मेन पर्पज ये रहता है कि भाई मैं खुद की तारीफ कैसे करूंगा। अभी रिसेंटली एक मैच हो रहा था जिसमें आकाश चोपड़ा और दीप दास गुप्ता ये कमेंट्री कर रहे थे, और एक नया प्लेयर आया आकाशदीप नाम का, वो डेब्यू कर रहा था। तो आकाशदीप ने विकेट लिया तो उसकी तारीफ छोड़ के ये खुद की तारीफ कर रहे, बोल रहे जिसके नाम में आकाश और दीप हो उसका चमकना तो तय था। और उसके बाद समझा कि वो जो विकेट लिया था ना वो नो बॉल था, तो विकेट कैंसिल हो गया। और रवि शास्त्री इनको ट्रोल कर रहे, बोल रहे जिनके नाम में आकाश और दीप हो वो दिया बुझना भी फिक्स था। लेकिन यार अभी जाते जाते एक सैड स्टोरी बता के जाऊंगा तुम लोग, ठीक है? स्टैंड अप शो में सैड स्टोरी करना ये मेरा फेवरेट पार्ट है। स्टोरीज पसंद है तुम लोग को? ठीक है, एक सैड स्टोरी सुनाता हूँ। एक बिल्डिंग में ना एक दादाजी रहते थे, और दादाजी बहुत ही बुढ़े थे, उनके लाइफ में उनका कोई भी नहीं था। तो एक दिन वो ऐसे ही पार्क में वॉक कर रहे थे और उनको हार्ट अटैक आ गया, और वो बिल्डिंग में ही एक कपल रहता था, उन्होंने उसको देख लिया और दादाजी को हॉस्पिटल लेके गए। उनका पूरा इलाज वो कपल ने किया, उनका पूरा ध्यान रखा, उनके खाने पीने का सारी चीज़ों का ध्यान वो कपल ने रखा। एक दो महीने बाद दादाजी ठीक हो गए, अपने घर आ गए। फिर कुछ महीनों बाद वो कपल उनको देखने गए कि अभी भी दादाजी सही है क्या, और दादाजी एकदम फिट थे। दादाजी ने बोला कि तुमने मेरा इतना ध्यान रखा ना, आज तुम्हारे लिए खाना मैं बनाऊंगा। लेकिन वो कपल ने बोला दादाजी हम खाना खा के आए, आप बस हमें चाय पिला दो। तो दादाजी चाय बनाने गए, लेकिन तभी उनको फिर से हार्ट अटैक आ गया। तो कपल वापस उनको हॉस्पिटल लेके गया, उनका इलाज किया। फिर जब भी दादाजी होश में आए ना, वो कपल ने पूछा उनसे कि दादाजी आपको बार बार हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, आपके लाइफ में कुछ स्ट्रेस है क्या? तो दादाजी ने जो आंसर दिया था ना उसमें बहुत ही डेप्थ था। दादाजी ने बोला कि ऐसा स्ट्रेस तो नहीं है, बट जब मैं तुम्हारे लिए चाय बना रहा था ना, चाय तो बन चुकी थी, बट मैं सोच रहा था अब मैं तुम्हें चाय दूंगा कैसे, क्योंकि मैं आरसीबी फैन हूँ, हमारे पास कोई कप नहीं है। तो आरसीबी की परफॉर्मेंस सोच के मुझे हार्ट अटैक आ गया। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। हाय दोस्तों, अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें शायद ये वीडियो पसंद आ गया रहेगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को भी टैग करना। बाकी स्टोक का जो ऑफिशियल चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अगर मुझे फॉलो करना है तो मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, RJ_प्रणीत, ये मेरा इंस्टा आईडी।